तो बचपन से ही मुझे पहाड़ों का बड़ा शौक है और मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी के पहले खूबसूरत पहाड़ मैंने मसूरी में देखे थे। और उसके बाद तो कभी मनाली, तो कभी बीर, कभी औली, तो कभी चोपता और भी कुछ अलग अलग जगह। क्यों? क्योंकि शायद मेरे लिए सुकून का दूसरा नाम ही पहाड़ है। तो अब ऑफिस के लैपटॉप को बंद करके और बैग को पैक करके अपने इसी सुकून को एक बार और महसूस करने मैं जा रहा हूँ कसौल। अब कसौल जाते जाते अपनी बस अचानक से करनाल के एक सुनसान से रोड पर रुक जाती है। पता चलता है कि कुछ बहुत गंदा कांड हो गया। अभी कसौल तक जाते जाते हम लोगों का हो गया पोपट, बीच में करनाल आया था और करनाल पे पहुंचते ही हम लोगों की बस का जो डीजल का टैंकर था वो फट गया और उससे डीजल निकलने लगा, तो बस को रोकना पड़ा। बट ये किस्मत बढ़िया थी यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों को ढाबा मिल गया। ये अब ढाबे पे रुके हुए और खाना वाना खाया, अब बस वेट कर रहा है कि जल्दी से बस चले और हम लोग फिर निकले यहाँ से। अब अपनी बस तो ठीक नहीं हो पाती तो हमें लेनी पड़ती है एक दूसरी बस से लिफ्ट, जो हमें पहुँचाती है कुल्लू। और कुल्लू से एक लोकल बस की सवारी लेके हम पहुंचते हैं कसौल, नहीं मणिकरण। सो दिस इज डे वन एट कसौल। नहीं कसौल नहीं, मणिकरण। तो यार स्टोरी क्या है कि हम लोग पहले गए थे कसौल बट वहां पे ऐसा कोई होटल पसंद नहीं आया तो इसलिए हम लोग आ गए मणिकरण। मैं होटल को बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना था मणिकरण में एक गुरुद्वारा है जिसमें एक हॉट नेचुरल वाटर आता है और ये देखने का मेरा बहुत मन था। तभी मैं आया था मणिकरण के अंदर जो गुरुद्वारा है, और आप लोगों ने शायद सुना होगा कि यहाँ पे एक नेचुरल वाटर है जो मतलब हमेशा गर्म ही रहता है। तभी मैं जस्ट उसके सामने खड़ा था। अब एक बार आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अब मैंने ये भी सुना है कि कसौल के नशे और कैफेज की वाइब्स काफी फेमस है, और नशे तो मैं नहीं करता बट कैफेज की वाइब्स। और कसौल में जो कैफेज है उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। सबसे पहले बताओ तुम्हारा भाई लग कैसा रहा है? इस तरह की शर्ट वगैरह मैंने ये पहली बार ट्राई करी है बट मेरे को काफ़ी कूल लग रही है। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सही में कूल है या फूल लग रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तो हम लोगों का क्या प्लान है कि हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और कसौल के अंदर कुछ कैफेज़ है जो कि बहुत फेमस है और काफ़ी सही भी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में ही क्या फेमस होने लायक है कि नहीं। तो फाइनली थोड़ी सी सर्चिंग के बाद एक कैफे मिला। अब तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। Great bro, we really enjoyed.
कसौल में हम कुछ बहुत खास तो नहीं देख पाए, तो बस इसीलिए अब हम निकल जाते हैं खीर गंगा। और तोश के लिए खीर गंगा की वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तोश, तो बस फिर मिलते हैं तोश में मेरी अगली वीडियो में।